मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से विजिस ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। चलिए एक बार सब लोग शेयर करेंगे मैक्स टू मैक्स, क्योंकि आज करने वाला हूं बच्चों धमाका, क्योंकि मैं लेने वाला हूं आज आपके लिए कुछ पीवाई क्यूज लेके आया हूं भाई, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है थोड़ा सा कि कितना एग्जाम हल्का फुल्का होने वाला है। लेकिन करे क्या, बहुत सारे बच्चों को इस एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है। बच्चे के मन में कहीं ना कहीं डर है कि हाँ सर ये क्वेश्चन बहुत ही टफ होंगे, हम लोगों को आएंगे नहीं आएंगे, कैसा पेपर होगा, किस लेवल पे होगा, सब चीजें मैं आप लोगों के सामने आज शेयर करने वाला हूं। क्या आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ रहे हो मेरे बच्चे ब्रह्मास्त्र सीईटी के लिए? मैं बोलता हूं बच्चों, जो बच्चा ब्रह्मास्त्र बुक करेगा उनका ब्रह्मास्त्र 100% लगने वाला है। सीओपी विजेटी आईसीटी पीआईसीटी वालचंद कॉलेज केके वाक कॉलेज हो सकता है, एसपीआईटी कॉलेज हो सकता है, जो भी आपने डिसीजन लिया उस डिसीजन को अभी भी हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, एक बार शेयर करो, टॉपर अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, टॉपर बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, डोंट वरी। जो जो बच्चे टॉपर में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट हो चुका है सिलेबस, आपके मालूमात के लिए ज्यादा दिन नहीं हो चुके हैं, जो भी बच्चे करना चाहते हैं हासिल, पीजीएमएन ऐप पे जाना पड़ेगा, बस बाकी कुछ नहीं। एक बार शेयर करो यार, सर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्वेश्चंस के सेशन कब आए? बेटा देखो, हमने वन शॉट दिया ना, वन शॉट दिया, ऐसा नहीं है, वन शॉट दिया है, ठीक है ना, वन शॉट दिया है। और क्या हेल्प कर सकता हूं बताओ मुझे यार, ये कोर्सेस में जाना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे ये जो टॉपर प्लस बैच में ज्यादा आना बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक, और एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, हम लोग एक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो मतलब लाइव तो है। जिनको लगता है मेरा समय बर्बाद हो रहा है, खुशखबरी क्या, समय बर्बाद हो रहा है, तो हम लोग रिकॉर्डेड के फॉर्म में भी देने वाले, कम समय में क्वेश्चंस को करके देने वाले। मतलब एग्जांपल बताता हूं, अगर आप लोग टॉपर प्लस बैच में आओगे तो लाइव के तो पूरे दे है, लेकिन रिकॉर्डेड में कम समय में, मतलब जैसे कि लाइव में हम लोग बातें करते हैं, थोड़ी सी आपके सामने कुछ डिस्कशंस होते रहता है, कमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए थोड़ा सा ये होते थे। जो बच्चे सही में बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे उन बच्चों के लिए टॉपर प्लस रिकॉर्डेड के फॉर्म में है, उसमें आपका कम समय लगेगा। अगर आप चाहते हो तो टॉपर प्लस और क्रैश कोर्स तो है, लेकिन टॉपर प्लस में आना चाहिए, ये मेरा सजेशन। सर आज कौन सा चैप्टर है? सर टॉपर बैच में पीसीएम लेक्चर्स हो गए क्या? हाँ बेटा हाँ, दिनेश सर है लाइव स्टडी, पता है ना आपको, दिनेश सर का आप पे मैथ्स होता है, सोहिन सर केमिस्ट्री, मुकेश सर फिजिक्स पढ़ाते। आप लोगों को और एक खुशखबरी बता दूं, हम लोग यहाँ पे भी लाइव लेने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे आपको यूनिट टेस्ट फ्री मिलती है, क्रैश कोर्स फ्री मिलता है, डीपीपी मिलती है। दूसरी बात, हमारे खासियत क्या थी, हम लोग एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बहुत मेहनत लेते हैं। जैसे दिनेश सर है मैथ को भैया पता है ना इतना करवा के ले रहे हैं कि भाई किसी का दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर फिजिक्स का ये सॉरी मैथ्स का ये सवाल पता नहीं, तो इन सर केमिस्ट्री करवा रहे बहुत खतरनाक, मुकेश सर आपकी फिजिक्स करवा रहे, तो हम निचोड़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को। नहीं तो क्या भाई, मुझे बताओ, एक ही आदमी अगर एक ही जगह पे तीन कोर्सेस चल रहे तो लॉसेस क्या होते इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चार सब्जेक्ट चलते हैं, तो उनका शेड्यूल नहीं बनता। हमारे यहाँ पे कैसे, हम अपने सब्जेक्ट में माहिर बनना चाहते हैं। चलिए एक बार लाइक ठोकेंगे और आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स हार्ड है? नहीं बेटा संकेत, जो टॉपर बैच में है उन बच्चों को पूछो क्या फिजिक्स हार्ड है क्या, कितने हलवे से सवाल बना के दिया मैंने, बहुत हलवा सवाल बना के दिया। चलिए, क्या आपके पास पेन और नोटबुक है बच्चों? पेन और नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके बैठना, लाइक करा प्लीज। यस सर, आज कौन सा, आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के क्वेश्चन, लेकिन एक दो क्वेश्चन मिक्सअप कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन मिक्सअप किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं, पहला ही क्वेश्चन मिक्सअप किया है बच्चों, ओके पहला क्वेश्चन मैंने मिक्सअप किया है, आप टेंशन मत लो, हल्के तरीके से करेंगे, मेरे साथ वर्ष बने रहिए। कितने क्वेश्चंस इजी होते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा। मुझे डर लगता है, डरना नहीं बेटा, देखो जो बच्चे डरेंगे ना समझो कि उनकी कुछ खरा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखते हैं। आज थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन से ध्यान रखना, यहां पे टू कैपिलरी ट्यूब है बच्चों,
डिफरेंट डायमीटर है, अलग अलग डायमीटर, ओ अच्छी बात है सर, ठीक है। डिप इन वाटर, राइज ऑफ वाटर इज, मुझे बताओ उन्होंने क्या किया है, बता सकते आप? टू कैपिलरी है, मतलब मैंने एक ऐसा भैया ले लिया एक जार, इसमें ले लिया पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा है, एक एग्जांपल के तौर पे लिया, ठीक है। इसमें मैंने ले लिया भैया एक कैपिलरी जिसका डायमीटर इस तरीके से, ठीक है। दूसरी कैपिलरी ले ली भाई, डायमीटर बड़ा ले लिया, मुझे बताना किसमें ज्यादा पानी ऊपर जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है और उसका नाम है भाई 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g। मुझे बस इतना ही बताया गया डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस, तो हाइट और डायमीटर का प्रोपोर्शनल इनवर्सली है। कितने बच्चे आंसर दे रहे, कितने? देखो हमारा क्या बोला है बेटा, द राइज ऑफ वाटर, सबसे वाटर ऊपर जाना चाहिए, तो रेडियस कम तो हाइट ज्यादा, है ना, मोर टू स्मॉलर डायमीटर, डायमीटर छोटा तो हाइट ज्यादा, डी ऑप्शन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये मेरे बच्चे एक बात, यह चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, गड़बड़ मत करना। दुआ चाहते हो तो ये करना, दुआ चाहते हो मुकेश सर की, ए भाई दुआ चाहते है तो ये करवाना भाई, टी ए डी मोर, ज्यादा हाइट, ज्यादा ऊपर राइज होगा पानी, किसमें? जिसका डायमीटर नन्ना सा छोटा सा मुन्ना सा होना चाहिए भाई, इसमें देखो, ओके इसमें ऐसा होगा, ओके इसके हाइट ज्यादा होगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऊपर जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा 2030 के सवाल ले रहा हूं, 100% ऐसे सवाल आने वाले हैं एग्जाम में, क्या बात कर रहे हो सर, क्या कॉन्फिडेंस है। हाँ भाई एचएससी बोर्ड में बता के दिया था आपको कि ये सवाल करके जाओ, डेरिवेशन की पूरी न्यूमेरिकल की सीरीज लाई, डेरिवेशन की सीरीज, न्यूमेरिकल की सीरीज, हर किसी की सीरीज लाके भाई फोड़ दिया था ना बोर्ड में, सीईटी में भी फोड़ना चाहते हो तो थम करो और सब लोग लाइक करो। देख रहा हूं मैं कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, क्योंकि लाइक भी इंपॉर्टेंट होते भाई। देखो 700 के ऊपर बच्चे लाइव में रहते हैं और लाइक नहीं मारते, ये बुरी बात है, बुरी बात है। अभी क्या, अभी 700 नहीं 1000 वन के लाइक होने चाहिए, ऑलरेडी 300 है, वन के लाइक होने चाहिए, देखता हूं मैं। चलिए देखो क्या बोल रहा है, एंगुलर स्पीड, कौन सी स्पीड भाई, एंगुलर स्पीड बोल रहा है, एंगुलर, हाँ एंगुलर स्पीड बोल रहा है, ब्लेड्स ऑफ फैंस, ओमेगा बोलते इसको, ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं भाई, ओमेगा है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच ब्लेड, लेंथ, लेंथ मतलब ही रेडियस, ठीक है ना, फैन का जो ब्लेड होते हैं ना वो रेडियस बोल के घूमता है, जुम 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 जुम, देखा आपने, देखा है क्या भाई, समझे क्या, कितनी दी 1.5 मीटर। तो लीनियर स्पीड क्या होगी, वी, कौन सा बच्चा है जिसको ये फार्मूला पता नहीं है, ऑनेस्टली करके आना भाई, हर बच्चे को आना चाहिए। देखो यार मुझे लाइक मांगना पड़ते है, ये बुरी बात है भाई, दुआ चाहते हो तो ऐसा नहीं करते, दुआ में याद रखने के लिए लाइक भी मारना पड़ता है, लाइक होने चाहिए 1000 वन के कंप्लीट, अभी के अभी होना चाहिए, नहीं तो अगला सवाल नहीं होगा, ठीक है ना। कौन है भाई, रिलेशन बिटवीन पता नहीं है उसको, देखो रिलेशन बिटवीन में मैं बता देता हूं, ये लीनियर वाले टर्म्स है और ये एंगुलर वाले, ठीक है, एंगुलर वाले टर्म्स है, लीनियर यस, एंगुलर थीटा, लीनियर वेलोसिटी, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट भाई, वेलोसिटी निकालेंगे और बाद में एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक वी होगा, वी एंगुलर के लिए ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर अल्फा, समझ रहे हो, इक्वल टू आर करो रिलेशन बनेगा, इक्वल टू आर, बस लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, हर बच्चा बच्चा जानता ही इसका आंसर भाई, वी, आर होता है 1.5 दिया है, ओ, और ये तो कितना हो गया 15 6 90, बट एक छोड़ के पॉइंट है इसलिए 9 मीटर पर सेकंड। कौन ऐसा है भाई जिसको सर ये भी नहीं आता है, भैया फिर बंगले पे आ जाना, तेरे को समझा दूंगा भाई, तू बंगले पे आ जा, तेरे को समझा दूंगा, हाँ
इतने नल्ले हो क्या आप कि सर मुझे टेबल नहीं आता है, क्या बोलूं भाई। चलिए क्या ये सवाल इजी है? हाँ, लेकिन आप बिजी होते हो, सिंपल ये फार्मूला ही पता रही है। तो क्या खाक पड़ रहा है भाई तू, पढ़ने के लायक ही नहीं ना तू, तो पढ़ना पड़ेगा भाई, समझे क्या? सर एक बार बोल दो, दुआ में याद रखना। सब लोग लाइक मारेंगे, और जो भी बच्चे और भी पढ़ना चाहते थे हमारे क्रैश कोर्स में और टॉपर प्लस बैच ले सकते हो, ठीक है। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। चलिए ये देखो, ये ध्यान रखना, लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसे बढ़िया तरीके से सवाल ले रहा हूं भाई। देख, लेट यम एंड यल मास एंड लेंथ ऑफ थीन यूनिफॉर्म रॉड, रॉड लिया है जिसका मास है यम, लेंथ यल रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट गेट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से एक्सिस पास करो भाई। ये देखो एक रॉड है आपका, और इस रॉड से सेंटर से एक्सिस पास करो। कर दी क्या भाई? कर दिया, समझे क्या? ओके, फर्स्ट केस में तो परपेंडिकुलर टू इट्स। सेकंड केस देखो, ये केस नंबर वन है, और केस नंबर टू क्या बोल रहा है? एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड, मतलब एक रॉड है और इस रॉड के एक एंड से एक्सिस पास कर रहा है। अब बताओ, सिंपल सी बात है, इसका केसी जो है, केसी कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए, इसका केसी क्या होगा? तो वो होता बेटा यल बाय टू रूट थ्री, जिनको नहीं आता बता दूंगा, टेंशन मत ले भाई। और इसका के ओ होगा यल बाय रूट थ्री, यस करेक्ट है बेटा? पता नहीं है सर, बता दो, बता देते हैं। ये डायरेक्ट याद रहता तो शायद मैं जंप मार सकता हूं। बच्चे बोलते ना सर मेरे सवाल ही सॉल्व नहीं होते, मैं क्या करूं सर? भैया ऐसे फार्मूले याद होने चाहिए, नहीं है कोई टेंशन नहीं है। देखो जब सेंटर से एक्सिस पास होती है रॉड से, क्वेश्चंस का आंसर है ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में रखना है, तो mk स्क्वायर, c इज द सेंटर से एक्सिस पास हो गई है, इसलिए c लिख रहा हूं। अरे भावड़िया समझते कर बाबा, अरे भावड़िया समझते का, ओके ml स्क्वायर बाय 12, समझ में आ रहा है? mm कैंसिल, तो kc, इसका स्क्वायर गया तो इसका भी जाएगा, और इसका रूट में होगा 2√3, जिनको नहीं आता है भाई बंगले पे आ जाना। मुझे बताओ 12 को कैसे लिख सकते हो? 3 × 4, तो 2, समझे ना? ओके, ये केस वन थी। केस टू ध्यान रखना बेटा, जिसका एंड में से कई रॉड में से कोई भी रॉड हो और उसके एंड में से जिस पास हो जाए, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है। सर पाठ नहीं, पाठ कर बाबा, कई घबरूनों को मी तुझा पाटी छे घबरूनों को, है ना? इसकी पीडीएफ मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको पीजीएमएन ऐप पे, एकलव्य फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल कैसे मिलता है तो मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को। ये यहां पे आने के बाद आप लोगों को यहां फ्री मटेरियल दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे दिखेगा डैशबोर्ड, वेबसाइट, कोर्स, टेस्ट पोर्टल, योर ऐप, है ना? फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल में जाने के बाद देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहे, ओके, वीडियो, टेस्ट, ऐसा दिखता है। तो डॉक्यूमेंट में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे, है ना, बायोलॉजी क्लास 11th हम लोग इसको ऊपर लाएंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, यूट्यूब वन शॉट, है ना? तो ये जो दिख रहा है आपको, शायद इसमें एकलव्य, देखो एकलव्य 4.0 लाइव लेक्चर पीडीएफ, जाओगे यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। जैसे रोटेशन डायनेमिक्स की मैंने ये पीडीएफ दी थी बच्चों, ये पीडीएफ आप लोगों को यहाँ मिल जाती है, ठीक है? ये जो पीडीएफ है ओपन होती है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये सब पीडीएफ हमने प्रोवाइड की है। एकलव्य की जितनी भी पीडीएफ है सर, जेव्हा तुम्ही कॉन्सेप्ट घेणार तेव्हा दोन न्यूमेरिकल सॉल्व करणार तर लक्षात लवकर येणार, ओके, ठीक है, सब कुछ करते हैं, टेंशन मत ले भाई, टेंशन मत लेना, दुआ में याद रखना। चलिए ml स्क्वायर बाय 3, जिनको फॉर्मूले याद नहीं है याद करो, एक नोटबुक बनाओ मेरे साथ, मजा आ जाए बच्चों, है ना? नोटबुक बनाओगे तो समझ में आता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं ये पता ही नहीं है बहुत सारे बच्चों को। चलिए अब यहां पे क्या लिखोगे? ml स्क्वायर,
ओ है ना, ये एम एल स्क्वायर बाय थ्री, एम एम कैंसल तो के ओ बन रहा है। इस इक्वेशन को वन बोलेंगे, इसको एल का स्क्वायर और ये क्यूब रूट में थ्री, ये टू। मुझे करना क्या, ध्यान से देखना बच्चों, रेशियो रेडियस ऑफ डायरेक्शन फर्स्ट केस, फर्स्ट केस कौन सी है बताओ, ये फर्स्ट केस है, और टू सेकंड केस, सेकंड केस क्यू, केसी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एल बाय टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय, ये है एल बाय रूट थ्री। तो मुझे लगता है सेम वाले टर्म को कैंसिल किया जाए, एल एल कैंसिल, रूट थ्री कैंसिल, ओके। तो के सी इज टू के ओ, रेशियो निकालना है, तो ये वन बाय टू बचा था, वन बाय टू मतलब वन इज टू टू, ये रेशियो मुझे मिल रहा है, वन इज टू टू, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चे का आया, कितने बच्चे का आया बेटा, वन इज टू टू ना, मुझे बता रहा, इसको कर लो बराबर, थोड़ा सा देख लेना, देख एल बाय टू रूट थ्री, अगर इसको डिवाइड नहीं करना है तो न्यूमरेटर उल्टा करो इसको, रूट थ्री बाय एल है ना, डिवाइड का मल्टीप्लाई करना है तो इन्वर्ट करता है, समझे क्या, ये वन बाय टू ही रहता ना। देखो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, ये गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए, तो तुम ही साथ हो तो डर लिखने की बात है, बिल्कुल थैंक यू। और आपने हजार कंप्लीट नहीं किए लाइक, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वन ये सब कुछ दिया ना बेटा हमने, वन शॉट दिए ना, हाँ मैक्सिमम चैप्टर के दिए हमने, ऐसा नहीं किया। चलिए बढ़ना आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल है भाई, ये टू आइडेंटिकल रिंग से एक ए है एक बी है, सेम मास एंड रेडियस रिवॉल्विंग रिंग ए अराउंड ओन डायमीटर। देखो एक ये रिंग है बेटा, रिंग से सेंटर से एक्सिस पास किया तो एम आर स्क्वायर फार्मूला होता है, लेकिन ये डायमीटर बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है बेटा, डायमीटर बोल रहा है, ध्यान रखना, तो डायमीटर मतलब यहां से एक्सिस पास होती है, तब इसका फार्मूला होता है रिंग का एम आर स्क्वायर बाय टू। कोई टेंशन तो नहीं मेरे भाई, देखो डायमीटर ये, एंड नेक्स्ट रिंग बी टेंजेंट, जब टेंजेंट वर्ड आ जाए केस नंबर टू, देखो ये रिंग है मेरे पास, टेंजेंट का मतलब ये होता है बेटा ये, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो होता है एम आर स्क्वायर, थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर होता है, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, लगे तो आप इसको ए बोलो और इसको बी बोल सकते, क्योंकि ये और बी बोला है, ठीक है। टेंजेंट एक्सिस जब आता है तब थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर फार्मूला लगाने है, सब लगाएंगे, समझ में आ रहा है। बोथ द रिंग ए एंड बी हैव सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हम लोग बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं सेम, क्योंकि रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बी टू रिंग ए निकालना है। आप बोलोगे बी क्यों लिखा है पहले, तो क्योंकि बी का रेशियो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी का आई ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला बेटा, इसका भी वन बाय टू आई ओमेगा स्क्वायर, कोई टेंशन है, मैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लेना, सबको पता है कि सेम वाले टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, हाफ हाफ कैंसिल। अब यहां पे बी लिखना पड़ेगा, इसको भी बी, इसको ए, इसको ए, ठीक है। मुझे निकालना है एंगुलर मतलब ओमेगा बी स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा ए स्क्वायर, तो ये आई ए, ये डिवाइड जाएगा इधर आई बी, बात समझ में आ रही है। देखो मुझे रेशियो निकालना था बी टू ए एंगुलर वेलोसिटी, तो बी था इधर, ए को नीचे लाया तो मल्टीप्लाई का डिवाइड, ये भी यहां आई ए है, अब इसको इधर लाओ, लेकिन आई ए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू है बेटा, पोटेंशियल, और यहां पे भी थ्री एम आर स्क्वायर बाय टू, मैंने जानबूझकर एम आर स्क्वायर बाय टू ये थोड़ा सा अलग लिखा है, तो ये और ये कैंसल मतलब वन बाय थ्री, ठीक है, कोई टेंशन है, बट ये स्क्वायर है, ध्यान रखना वी ओमेगा पी डिवाइड बाय ओमेगा ए, यहां पे ये रूट में आएगा
वन बाय थ्री, लेकिन रूट वन का वन होता है और रूट ऑफ थ्री। इसी को ओमेगा बी इज टू ओमेगा ए वन इज टू रूट थ्री, वन इज टू रूट थ्री। डी ऑप्शन क्या आ रहा है बच्चों? देखो ऑनेस्टली कोशिश करना है। देखो जियोग्राफी का मुझे पता नहीं बेटा, जिसका मैं अरेंज कर सकता हूं उसका करने की कोशिश की है मैंने। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं उसकी गारंटी दे सकता हूं, लेकिन आप दूसरी चीजों की गारंटी मांगोगे तो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो आप लोगों के लिए मुझे जितना दे सकता हूं उतना देने की मैंने कोशिश की है ना, समझे क्या आप? चलिए सर, क्लास इलेवंथ में एमएसटी सीटी, क्लास इलेवंथ के भी एमएसटी सीटी है। आप लोग क्लास इलेवंथ में हो तो आपके लिए एमएसटी सीटी का कोर्स यहां पे मैं दिखा सकता हूं। जो बच्चे एमएसटी सीटी करना चाहते हैं, ठीक है ना, एमएसटी सीटी करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए भी कोर्स चालू है बेटा, ठीक है ना। कोर्स में जाओ, कोर्स में आप लोगों को ये एएसई नाम का कोर्स दिखेगा यहाँ पे। ये टॉपर प्लस है, जो बच्चे टॉपर प्लस की तैयारी करना चाहते हैं है ना, देखो ये कोर्स लेना, ये कोर्स ले सकते आप जो 2025 की तैयारी टॉपर एएसई बैच फिजिक्स की तैयारी कीजिए, ठीक है, ये कोर्स ले सकते। कॉन्सेप्ट तो नहीं लिए, चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी लेने वाला हूं। पहला दिन है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, सब होगा। ये आज मैं देख रहा हूं कि आपकी पढ़ाई कितनी है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता। आज कोई ऐसा लेक्चर नहीं है कि चैप्टर वाइज ही लेना है, आज ओनली आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। सवाल इजी होते हैं, सॉल्व करने का तरीका हमारा करेक्ट होना चाहिए, ये बता रहा हूं। सोच अप्रोच कैसी होनी चाहिए, मैंने क्या लिया, केस नंबर वन डायमीटर के लिए ऐसा, टेंजेंट के लिए ऐसा, समझे क्या आप? अप्रोच इंपॉर्टेंट, क्या मेरी अप्रोच अच्छी समझ में आ रही है तो लाइक होनी चाहिए बच्चों। एमएसटी सीटी का करीब करीब एग्जाम के 10 दिन पहले आता है, ठीक है, चलिए 10 दिन एडमिट कार्ड पहले आता है। कितने लोगों को अप्रोच ही वो देख रहा हूं भाई, अप्रोच लगाओ, लगाओ अपनी ताकत लगा भैया, आपकी औकात दिखानी है, किसके औकात इस सॉल्व करने की क्वेश्चंस। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप अपनी औकात लगाओगे। सर ऐप नेम पीजीएमएन ऐप है बेटा, पी जी एम एन ऐप का नाम है, ठीक है सर। आई एम टॉपर प्लस बैच, वाईफाई नहीं लगाया है अभी तक 40 hours के बाद भी, तो क्या लिखा है? टॉपर प्लस बैच, वाईफाई नहीं लगाया है अभी तक 48 hours के बाद भी, तो इसके लिए नहीं ज्वाइन। कोई टेंशन मत लेना बेटा, टेक्निकल टीम को कॉल करो, सपोर्ट करेगी, ठीक है। चलिए दिखाओ मुझे, चलो हमारे पास सवाल क्या बेटा, स्ट्रिंग की लेंथ है फिक्स, वन एंड कैरी द बॉडी मास यम अदर एंड, द मास रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब ये डायग्राम है, कोनिकल पेंडुलम है भाई, कोनिकल पेंडुलम है ऐसा, करेक्ट है बेटा, कोनिकल पेंडुलम है ये, समझ पा रहे हो, ये थीटा, ये हाइट, ये लेंथ, ओके, और यहां पे मास है तो वेट है, मास है तो वेट है, समझ पा रहे हो? तो ये कंपोनेंट होगा बेटा थीटा का, टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा, क्या समझ पा रहे हो आप? ओके, ये आर होता है, किसको किसको पता भाई, मुझे बताओ। नेक्स्ट सवाल पर, हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, एक्सिस पासिंग थ्रू द फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंगल कर रहा है थीटा विद द वर्टिकल, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी ओबेगा द टेंशन इन, तो टेंशन कितना होगा, ये सवाल आपको पूछा है, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कितने बच्चे दिमाग लगाएंगे,
वो भी देखना चाहता हूं मैं, ठीक है ओके। मुझे बता ये जो टी साइन थीटा है कौन सा बेटा, टी साइन थीटा करेक्ट है, ये प्रोवाइड कर रहा है यम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को यस ओ पी बोलते ये ट्राइंगल दिख रहा है करेक्ट है, फ्रॉम द ट्राइंगल देखो कैसे बोलोगे यस ओ पी, कैसे करोगे बेटा साइन थीटा देखो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, देखो बेटा यहां पे अपोजिट आर है और हाइपोटेन्यूस लेंथ एल है, तो मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो एल साइन थीटा हो गया खत्म किस्सा। जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे वो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते थे, मुझे टेंशन निकालना टी साइन थीटा ये यम आर की वैल्यू एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए किसको कट कर सकता हूं, साइन थीटा कैंसल, तो मेरे पास जो टेंशन है बेटा वो ही यम एल ओमेगा स्क्वायर, ओके बी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन इजी है बट आपकी अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है, टाइमिंग बढ़ाइए सर लेक्चर टाइमिंग और बढ़ाइए, ओके ओके करते बेटा करते, क्या आप ये समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो आप, क्या इजी सवाल नहीं है, जिनकी पढ़ाई अच्छी है वो डायरेक्ट बोल सकते थे क्या टी साइन थीटा प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर फार्मूला है, लेकिन आर क्या है एल साइन थीटा, पुट अप करो साइन साइन कैंसिल टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर बचेगा। जो बच्चे सही में पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज्यादा अप्रोच नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल और देखते, ऑन ड्राई रोड, ड्राई रोड समझते हो ना, सूखा धूप काले में, धूप काले का रोड है ये, मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला बेटा म्यू आर जी, कोई टेंशन है ठीक है बेटा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल सर्कुलर पाथ वी, वी इसीलिए बोला है ना, रोड बिकम वेट गिला हो जाएगा रोड, तो मैक्सिमम स्पीड जो थी इक्वेशन वन केस एक पहली, अभी जो है यहां से अलग सवाल है वो वी बाय टू है और इसके लिए म्यू यस इसको डैश बोलते हैं आर्च, कोई टेंशन नहीं, मुझे करना क्या तब कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू यस क्या होगा, म्यू यस डैश बोलो, अभी म्यू यस डैश बोलना है वो कितना होगा बताना है बे। चलिए मैं काम कर रहा हूं सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं, सेकंड है वी बाय टू और ये डिवाइड बाय वी, ये सेकंड है बेटा यहां पे दोनों एक ही रूट में रख सकता हूं म्यू एस डैश आर जी और ये म्यू एस आर जी, समझे दोनों को एक ही रूट में रख सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते आगे, ये चला गया आर से आर चला गया जी से जी चला गया, स्क्वेयर देखो वन बाय टू रूट ऑफ म्यू एस डैश डिवाइड बाय म्यू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं वन का स्क्वायर वन टू का फोर, ये रूट के बाहर आएगा सही बेटा, मुझे म्यू एस डैश चाहिए तो ये म्यू इधर आएगा म्यू अपॉन फोर, क्या म्यू अपॉन फोर है, यस बी ऑप्शन। क्या ज्यादा सवाल टफ नहीं होता बेटा, बस प्रैक्टिस प्लीज मराठी मध्ये बोला अभिषेक ग्रेमर, देखो मराठीत बोलले का हिंदीत बोलले का आपली मातृभाषा भले आपण महाराष्ट्रीयन आहात मराठी आहे पण आपण भारतात राहतो आणि भारताची राष्ट्र म्हणजे आपल्या देशाची भाषा आहे हिंदी, त्यामुळे असं इच्छात अटकून नका बसू की असं करा सर तसं करा, आपल्याला शिकायचंय आपलं टार्गेट मोठा आहे बाबा, कळालं का, तर त्याच्यामुळे इच्छात अटकून बसू नका सर असंच झालं सर तसंच झालं हेच झालं, इच्छात काहीही ठेवलेलं नाही, एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे, खूप मुलं काही गोष्टीत अटकतात की सर असं नाही सर तसं करा सर, अरे भावा किती दिवस हां, आपली भाषा काय आहे थोडे सर मेरा थोडे रुचकर तुक्का लगा इस पे, नहीं तुक्का मत लगा, हिंदी राष्ट्रभाषा है यस एजुकेशन में। चलिए जय हिंद जय हिंद, एकदम इजी सवाल है बट हम लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, सवाल इजी है सही में बोल रहा हूं, अप्रोच आना चाहिए। क्या आप लोग सवाल सॉल्व करते समय थोड़े से फार्मूले सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इजी सवाल ये भी देखो, एक थीन यूनिफॉर्म रॉड लेना है
जिसका मास m है, लेंथ l है, सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड विच कैन ऑक्सुलेट इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में ऑक्सुलेट करना है इसे, समझ में आ रहा है, वर्टिकल प्लेन में, ओके समझ में आ रहा है ना, वर्टिकल प्लेन में। चलिए पॉइंट इंटरसेक्ट द पुल वन साइड एंड देन रिलीज द फास्टेस्ट थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजिशन एंगुलर स्पीड ओमेगा द काइनेटिक एनर्जी वाइल पासिंग थ्रू मीन पोजिशन, मीन पोजिशन से पास होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, है ना। वर्टिकल प्लेन अबाउट द पॉइंट इंटरसेक्ट इट्स पुल वन साइड एंड रिलीज, मतलब एक साइड से पुल होगा, जब भी कोई रॉड रहा एक साइड से अगर हमारा लाइन पास होती है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता बेटा एम एल स्क्वायर बाय 3, याद है, बस इक्वेशन में पुट अप करो, खत्म किस्सा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 ई भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एम एल स्क्वायर बाय 3 और ये ओमेगा स्क्वायर, शायद मुझे मिला है आंसर, ये एम एल स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, 3 × 2 = 6 ओरली आंसर था, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं बच्चों, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 6, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी यस। केमिस्ट्री ला फिजिक्स यस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं बेटा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इजी सवाल यार, थोड़ी सी पढ़ाई चाहिए बस, 2023 के बहुत ही बढ़िया सवाल ले रहा हूं, मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एनालिसिस भी करना है हम लोगों को, वो भी करेंगे सर, बल्क मोटिवेशन भूल गए क्या मुझे, यस यस यस, नहीं नहीं भूला नहीं, फिजिक्स फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट बेटा, है ना, हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन इतना है हम लोग जो बोल रहे उतना ट्रस्ट करके वो फार्मूला लर्न करो, आप भी जैसे मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूं, एक नोटबुक बनाओ उस पर अच्छी तरह से फार्मूला लिखो, समझे क्या। अब तीन यूनिफॉर्म रॉड है, ए बी, मास एम है, लेंथ एल है, हिंग वन एंड ए टू ग्राउंड लेवल, द इनिशियली रॉड स्टैंड वर्टिकली एंड अलाउड टू फ्री फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली प्लेन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड है ना व्हेन इट इज एंड बी स्ट्राइक द ग्राउंड, तो कोई एक रॉड है बच्चों, है ना, वो रॉड हमारा रॉड है, रॉड, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है ना, रॉड की बात कहने जा रहा हूं मैं, एक रॉड है बच्चा वर्टिकली है, ये रॉड था इसे, और ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है बेटा, यहां इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना, वो हाइट जो है बेटा यहां से यहां तक की, वो एच इज इक्वल टू एल बाय 2, क्यों, क्योंकि टोटल है ये एल, टोटल कितना एल, वो ग्राउंड को हीट कर रहा है, मतलब ऐसा आके गिरने वाला है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां आएगा, सही बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है, समझ में आ रहा है, ओके मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाली है, कोई टेंशन तो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाली है, बात समझ में आ रही, और इसको हिंजेस कहा क्या, हिंजेस मतलब उसको ठोक दिया यहां पे ऐसे, ओके ये मतलब रॉड ऐसा ऐसा गिर रहा है ऐसे, मतलब एक एंड को मैंने इसको क्या किया, एक्सिस पास कर रहा हूं, खिला ठोकना, खिला पकड़ा ठोक दिया, मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, मतलब ये जो है ना बेटा एक एक्सिस यहां से पास की, इसका मतलब है ये खिला ठोकना, मतलब ये एक्सिस वन एंड पास कर रहा हूं, अभी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा बेटा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्यों रॉड ऐसा है हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों, बाद में गिरेगा ऐसा, देखो लिखा यहां पे है ना ग्राउंड लेवल, और क्या बोला है, रॉड स्टैंड वर्टिकली, पहले वर्टिकली रखा था, अलाउड टू फॉल, फॉल हो रहा है, गिर रहा है फ्रीली टू ग्राउंड, ग्राउंड पे गिरेगा ऐसे, ऐसे गिरेगा, गिर रहा है, तो पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। सर फिजिक्स में क्या क्या करना है वो स्टेप बता दो, टीडीएस स्टेप, ओके बता देते बेटा, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया जाता है, अच्छा रहेगा, एक मिनट आपका स्क्रीनशॉट ही निकाल के रखता हूं,
ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है आपका जानबूझकर, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपने, उसके लिए स्पेशल वीडियो के ऊपर काम किया जाए तो अच्छा रहेगा। बट अभी पूरा 100% तैयार हो गई है सीईटी फोड़ने के लिए। बिल्कुल बेटा, चलिए ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच, लेकिन एच क्या यार, एम जी एल बाई टू, देखो एल बाई टू है ना, तो यहां पे एम जी एच के जगह पे एल बाई टू, समझे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो ये, और मुझे निकालना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा निकालना है, फिक्स है। तो यहां पे 1/2, वन एंड से जब रॉड से इस पास होता है बच्चों, इसको कहा जाता है अपने यहां पे, इसको कहा जाता है आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एम एल स्क्वायर बाय 3, सही बेटा। तो ये एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, समझे। काइनेटिक एनर्जी कैसी मिली, 1/2 I के जगह पे एम एल स्क्वायर बाय 3 और ये ओमेगा स्क्वायर। सेम वाले टर्म को मरवा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, एम से एम को मरवा दो, ये कैपिटल एल ही बोलो, ये एल, एक एल कैंसिल हो गया, ये टू, ये टू से कैंसिल हो गया, ये 3G हो गया, समझे बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 3G, समझे ना। एक एल बाकी है, इसको स्मॉल एल बोलना है तो स्मॉल एल बोल सकते हो, देखो एल मल्टीप्लाई का डिवाइड आएगा, बचा है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा 3G/L, कोई टेंशन है, 3G/L, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चे हैं कि हाँ सर 3G आ रहा है मेरा भी आंसर, एक बार थम करो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार थम चाहिए मुझे। सर आज कॉलेज में रिवीजन हो रहा है, तब मुझे एक्सप्लेन करना था, तब सर ने पूछा कौन से क्लास जाते हो, कौन से क्लास जाते हो। अरे बाप रे, बहुत बड़ा मैसेज लिख के रखा है भाई, पढ़ूंगा मैं तो भी, ठीक है। जाते हो कौन से क्लास जाते हो, अरे भाई रुक जा यार, अरे गिरीश आपका मैसेज ही नहीं पढ़ पा रहा हूं यार, एक मिनट, बहुत बढ़िया मैसेज किया है इसने, पूछा कौन से क्लास जाते हो, तो मैंने मुकेश नायक एकेडमिक क्लास जाता हूँ, फेमस इन महाराष्ट्र। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया भाई, चलिए चलो आगे बढ़ना है। एक बार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, थम कर रहा बेटा, सर ब्रह्मास्त्र बुक कहाँ मिलेगा, बस www.eklavya.com है ना, जाना है www.eklavya, इस पे जाके आप ले सकते हो, ठीक है, वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। सर तुम्ही आम्हा रोज लेक्चर झाल्यावर थोड़ा प्रैक्टिस कर, चलिए देखो ये समझ में आ रहा है, ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए बच्चों आपको, प्रैक्टिस के लिए कितने लोगों को क्वेश्चन चाहिए, पीजीएमएन ऐप पे मिलेंगे क्या, मैं आपको क्वेश्चन होने के बाद रोज 20 क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, 20 एमसीक्यू चाहिए फॉर प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है चलेगा। कितने बच्चे हैं, टोटल लोड नहीं चाहिए क्या, चाहिए यस और नो, और लाइक भी 1 के कंप्लीट करने थे, अभी तक कंप्लीट नहीं भाई, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हां जी, एक रिजिड बॉडी है रोटेट विद एंगुलर मोमेंटम एल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज मेड 4 times, रोटेशनल काइनेटिक 4 times इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी, क्या इतना होगा एंगुलर मोमेंटम वो बताना है, यस ओके। और काइनेटिक एनर्जी बताएगी है बेटा, है ना, 4k, कौन सी k2। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास 1/2 I ओमेगा, मैं शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा, उसको याद रखना है, ये तो सबको याद है, यह चाहिए
चलो बहुत बढ़िया, करते उसके लिए भी कुछ करते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2, यहां पे I स्क्वायर कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर कर रहा हूं, डिवाइड बाय I, क्या फर्क हो रहा है, I से I कट गया, तो ये फॉर्मूला बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए E इज इक्वल टू 1/2, बेटा ये L का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, फॉर्मूला याद कर भाई, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, जिनको याद नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। दिनेश सर की टीम में आरजी लेक्चर, चलिए क्या बढ़ सकता हूं मैं, ओके चलिए। तो ये होगा बेटा आई स्क्वायर और एल स्क्वायर आई, समझ में आ रहा है, या ई इज इक्वल टू 1/2 एल स्क्वायर अपॉन आई, तो ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2EI, ऐसा भी लिख सकता हूं, या एल इज इक्वल टू 2EI, एक ही तो बात है बेटा, या ई इज द काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन से टू ये लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और आगे ये एल वन है बेटा। अभी एल टू में क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ टू, के टू की वैल्यू 4K है, 4K समझे, और ये आ है, कोई टेंशन, के जगह के खाली, तो एल टू इज इक्वल टू 4 का रूट टू होगा, रूट टू के आई, तो एल टू इज इक्वल टू 2 के आई की वैल्यू एल है, L1 मतलब L है, मतलब 2L आना चाहिए आंसर, इजी है ना भाई, इजी सवाल है, 99 क्वेश्चन डालो सर वर्मा सर करेंगे CET के लिए, तो 99 आएंगे बेटा, ठीक है, 99 आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, श्योर आएंगे, लेकिन वो ऑनेस्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी आर सेम, द बॉडी इज कौन सी होगी जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन दोनों की सेम होना चाहिए, ऐसे कौन सी ऑब्जेक्ट है। अब ट्रांसलेशन का फार्मूला सभी लोगों को पता था, 1/2 mv², कोई टेंशन है भाई, क्या तेरे को पता है, ठीक है, हम लोग रिंग को उठा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला सबको पता है, 1/2 i ओमेगा², ठीक है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, रिंग का, mk² होगा, और ओमेगा होता है बेटा v/r, सर कहां से आया, v = r ओमेगा, अभी मैंने रिलेशन बताया था, समझते का बावड़ियानो, का होला होता है, खरे सांगा, ओके चलिए रख के देखते बोला, 1/2 mk² v² / r², लेकिन बता देना चाहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है फॉर रिंग के लिए k = r, यस, तो m 1/2 mr² के v² / r², r² कैंसल, 1/2 mv², देखो आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी भी 1/2, मतलब रिंग के लिए आएगा, यस, केमिस्ट्री क्वेश्चन चैप्टर वाइज लोगे ये ना आप, यस बिल्कुल लेंगे। चलिए तो बच्चों आप लोगों के लिए, शायद जो बच्चों को पता नहीं है, ये तो मैंने 10 सवाल जानबूझ कर लिए, कैसा लगा ये सवाल देख के कैसे बताए, कैसा लगा, एक बार थम करना है, लाइक भी करना है कि सर हाँ सर हमारे, देखो यार हर किसी की औकात होती है, बस भूल गए आप लोग कि यार मेरी औकात क्या है क्या नहीं है, अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करोगे तो शायद आप लोगों को इसका जवाब मिलेगा, और श्योर मिलेगा, मुझे याद है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा भी है ना, वो ध्यान रखनी है आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं है यार। हम लोगों ने एनालिसिस किया था, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस पेपर इसके पढ़े वाले
ब्रह्मास्त्र बुक है हमारे पास, उस बुक्स में से हमने जानबूझकर एनालिसिस किया, तो क्या देखा बोले कि 12 के हर चैप्टर पे सवाल आता है। जैसे कि पहले चैप्टर पे 3 क्वेश्चन आए थे 15 मई को शिफ्ट 1 में, 15 में सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए, 16 के शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए, 16 के सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए, 17 मई के शिफ्ट 1 में 2, 17 में शिफ्ट नंबर 2 में 3 आए, 18 मई में शिफ्ट नंबर 1 में 3 आ गए थे, 18 मई को शिफ्ट नंबर 2 में 3 आए थे। मतलब हम लोगों को यह समझ में आता है रोटेशन डायनेमिक्स में से 2 या 3 सवाल आने वाले। आप ब्रह्मास्त्र बुक के पूर रिक्वेस्ट करो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या रेशियो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में? 3 क्वेश्चन मैक्सिमम या 2 क्वेश्चन तो आने वाले, कभी कभी 4 सवाल भी आए। देखो 19 में 4 और 15 में के 4 आए थे, लेकिन 3 सवाल मैक्स आने के चांसेस है। केटी जी 3 सवाल आने के ज्यादा चांसेस है, मैक्स 2 खाली 19 में। देखो इसका मतलब क्या, क्या आप कोई चैप्टर छोड़ सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं है, आपको हर चैप्टर सीईटी में करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि एमएसटी सीईटी के लिए एचएससी बोर्ड जैसे बिल्कुल नहीं कर सकते, इसके लिए आप लोगों को हर चैप्टर आपको याद ही रखना पड़ेगा, हर चैप्टर। ओके समझ में आ रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं भाई। ओके मैं क्वेश्चंस लिख के लेता हूं एमएसटी सीईटी 2024, ठीक है ना। कौन से चैप्टर? ओके तो बात समझो बच्चों, कोई भी चैप्टर शिफ्ट नहीं करना चाहिए, बता नहीं सकता। कभी कभी तो कुछ चैप्टर पे तो ऐसा हुआ है क्वेश्चन ही नहीं आया, देख सकते टाउन नाम के चैप्टर में मार्क्स टू मार्क्स सवाल नहीं आया। देखो 16 में के एग्जाम में नहीं आया, 18 के शिफ्ट में क्वेश्चंस नहीं आया बेटा, 18 के दोनों शिफ्ट में नहीं आया, 19 के नहीं आया, दोनों शिफ्ट में नहीं आया। कभी कभी 20 में तो 2 सवाल आ गए। देखो 20 में मैं सेमीकंडक्टर एक भी सवाल नहीं, 15 में 2023 में एक भी सवाल नहीं। मतलब ये पक्का नहीं बोल सकता हूं कि ये चैप्टर में से सवाल आएंगे और ये चैप्टर से सवाल नहीं आएंगे, तो ये फिक्स रही है, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये पीपीटी हम लोग आपको एकलव्य में प्रोवाइड करेंगे पूरी की पूरी। ओके और कुछ चीजें होती है जो कि हम लोगों ने आपके लिए निकाल के रखी है, थोड़ा सा पढ़ना भी बहुत जरूरी होता बच्चों, जैसे कि चैप्टर वाइज ये भी देंगे आप लोगों को। ये सेशन में हम लोग ये करवाएंगे एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स बताने वाले हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको एमसीक्यू सॉल्विंग की ट्रिक्स बताएंगे, मजा आएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत डिटेल पढ़ना है, बहुत ज्यादा करना चाहते हो तो मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस बैच में आ सकते हो, अगर जिनकी इच्छा है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, प्रॉपर प्लस बैच। अगर बहुत डिटेल में जिनका सपना होता है सीओपी विजेटी आईसीटी पीआईसीटी वालचंद कॉलेज के वाह कॉलेज हो सकता है, तो टॉपर प्लस बैच लेना चाहिए। क्रैश कोर्स इसमें हम लोग फ्री देंगे, टेस्ट सीरीज भी फ्री देंगे। देखा जाए तो इसमें 100 रुपए का कूपन कोड लिया आपको 1099 में कोर्स मिल जाता है, 900 रुपए का क्रैश कोर्स, 500 रुपए की टेस्ट सीरीज, उल्टा देखा जाए तो बहुत ज्यादा फ्री में मिलता है। इसमें अभी एक ही चैप्टर हो गया, ज्यादा नहीं, आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाले, बहुत ज्यादा धमाका करेंगे, बहुत आपके दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अंदर डालने की कोशिश करते भाई, लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होता है। जो बच्चे करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं टॉपर प्लस बैच। जो बच्चे ने मुझे अभी का बच्चे ने सवाल पूछा था क्या सर हम लोग 2025 की तैयारी कर सकते हैं क्या, हाँ, तो उन्होंने एक कोर्स लेना चाहिए टॉपर एएसई बैच, है ना, एएसई बैच फिजिक्स, ये 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो जितना हो सके उतना करो। जो बच्चे को ये मटेरियल चाहिए प्री स्टडी मटेरियल में जाके इस डॉक्यूमेंट में जाना है, जैसे जाओगे तो आप लोगों को नीचे नीचे जाने के बाद एकलव्य नाम दिखेगा,
4.0 एकलव्य, इसमें पूरे पीपीडी आप लोगों को मिलते जाएगी लाइव लेक्चर पीडीएफ। देखो एकलव्य 4.0 लाइव लेक्चर पीडीएफ, ये पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहेगी। जो भी सेशन हो चुका है वहां पे जाके अभी 1K कंप्लीट करना है, 911 हो गया बच्चों, मुझे लगता है कि 550 बच्चों अभी भी लाइव है, तो एक लाइक मारोगे तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो फटाक से 1K कंप्लीट करना है। चलिए तो आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ जो भी सवाल मैंने सॉल्व किए हैं, इसमें कुछ मैं आपके सामने कुछ सवाल देने वाला हूं, वो सवाल भी आपको ही करने हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ सवाल दे रहा हूं, ठीक है, ये सवाल दिया है मैंने, तो आप लोगों को ये सवाल आपको ही करना है। ठीक है, इसमें देखो मैंने जानबूझकर ह्यूमर बोल के सवाल दिया है, एक सबको पता है इसका आंसर, और एक और ये, ऐसे तीन सवाल आपके लिए होमवर्क होंगे। कमेंट में आंसर जरूर करना, मैं रहा देखूंगा कितने बच्चे करने वाले। चलो बाय 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 सर, तुम्ही आम्हाला रोज लेक्चर झाल्यावर थोडं प्रश्न प्रॅक्टिस करायला देऊ शकता का? हा दे रहा हूं बेटा, दे रहा हूं, कल से तो 10-10 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। इसी के नीचे मिलेंगे, ये जो पीडीएफ है इसी की प्रैक्टिस करना आपको। चलो बाय बाय।